हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन साइट सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, जिसमें मैं अभी ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रही हूँ इसमें, और पैरेलल में कई सारे यूनिट कवर करवा रही हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे केवीएस में, एनबीएस में, सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग आज इसको अच्छे से समझेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारा एक होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें क्या होता है कि जो जो पहले आया, जैसे प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है, कोई प्रोसेस 0 सेकंड पे आया, कोई 2 पे आया, कोई 1 पे आया, तो जो प्रोसेस सबसे पहले आया है, जैसे आया है वैसे वैसे मतलब कि काम करेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया है वो पहले काम करेगा। तो ये तो हमारा कहता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सेकंड होता है हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब कि कोई प्रोसेस P1 है, इसका अराइवल टाइम है 0 to 1, और इसका वर्स्ट टाइम मतलब कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना देर वो एग्जीक्यूट करने में लगाता है, जैसे इसका 2 है, 3 है, 1 है, तो जिसका एग्जीक्यूशन टाइम स्लो है ना, सबसे कम है, सॉरी स्लो नहीं कह सकते, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है वो प्रोसेस पहले वर्क करेगा, तो इसको कहते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। उसके बाद हमारा होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, तो ये इसी का है प्रीएम्पशन वर्जन, मतलब कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या होता है, नॉन प्रीएम्पशन होता है, और ये क्या होता है हमारा प्रीएम्पशन। नॉन प्रीएम्पशन क्या होता है, प्रीएम्पशन क्या होता है मैंने बता रखा है, तो आप उसको जरूर जाकर देखिए वो वीडियो। उसके बाद हमारा लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या कहता है कि जिसका वर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा है, मतलब इसका 3 है, तो पहले कौन चलेगा, P2 चलेगा, तो ये होता है हमारा लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। और उसी का प्रीएम्पशन वर्जन है लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, मतलब कि जो लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट है वो क्या है, नॉन प्रीएम्पशन, और जो हमारा लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है ये क्या है, प्रीएम्पशन। उसके बाद हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग आता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। क्वेश्चन ज़्यादा इससे बनते हैं या फिर इससे बनते हैं, तो हम लोग सारे को कवर करेंगे जिससे कि क्वेश्चन कहीं से भी आए हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो कोई भी एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना जितना भी पॉइंट यहाँ पे है सारा से, जैसे अराइवल टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम क्या होता है, वर्स्ट टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, फिर हमें सोल्व करने में क्वेश्चन न्यूमेरिकल से पूछा जाता है कि टर्न अराउंड टाइम बताओ, वेटिंग टाइम बताओ, तो उसके फॉर्मूला क्या होते हैं हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो कि पॉइंट है जिसको हम लोग याद करके ही जाएंगे, क्योंकि अगर ये याद नहीं रहेगा तो हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अराइवल टाइम क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस किस टाइम पे आया, मतलब किस टाइम पे अराइवल हुआ, मतलब 0 सेकंड पे हुआ, 1 सेकंड पे हुआ, तो इसको कहते हैं अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम मतलब कि जो प्रोसेस है हमारा कंप्लीट कितने टाइम पे किया, उसको कहते हैं कंप्लीशन टाइम। उसके बाद है वर्स्ट टाइम। वर्स्ट टाइम मतलब कि जो एक प्रोसेस है वो कितने देर में कंप्लीट करेगा, उसको कहते हैं वर्स्ट टाइम। जैसे कि इसका प्रोसेस का है 5 सेकेंड, इसका P2 का है 7 सेकेंड, तो ये प्रोसेस कितने देर में कंप्लीट करेगा, कितना उसका टाइम है, उसको कहते हैं हम लोग वर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि अराइवल टाइम से लेकर वो कितने देर तक सीपीयू के अंदर रहता है, उसको हम लोग कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद है वेटिंग टाइम। प्रोसेस हमारा कितना देर वेट किया, तो उसको कहते हैं हम लोग वेटिंग टाइम। तो हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए और वेटिंग टाइम निकालने के लिए। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, इसको कहते हैं हम लोग टर्न अराउंड टाइम। मतलब कि जो प्रोसेस हमारा जितना देर कंप्लीट हुआ और फिर जितने देर में वो आया अराइवल टाइम, उसको कहते हैं हम लोग टर्न अराउंड टाइम। और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, मतलब कि जो हमारा टर्न अराउंड टाइम निकलेगा वो उसमें माइनस कर दो कितना वर्स्ट टाइम, जितना देर प्रोसेस का टाइम एग्जीक्यूशन टाइम है, तो उसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा वेटिंग टाइम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम लोग याद रखेंगे, तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूला वैसे ही याद आ जाएगा। बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन करने से पहले हमारे पास कुछ नोट्स भी है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या कहता है कि द प्रोसेस विच अराइव फर्स्ट इन द रेडी क्यू इज फर्स्टली असाइंड टू द सीपीयू।
मतलब कि जो प्रोसेस सबसे पहले रेडी क्यू में आएगा वही प्रोसेस सीपीयू को असाइन होगा एग्जीक्यूट करवाने में, मतलब कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सेकेंड पॉइंट है, इन केस ऑफ अ टाई प्रोसेस विद स्मॉलर प्रोसेस आईडी इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, मतलब कि जैसे कि हमारा प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है, अब ये है कि ये भी 2 सेकेंड पे आया, ये भी 2 सेकेंड पे आया, ये भी 2 सेकेंड पे आया, तो किसको पहले चलाएंगे? तो जो पहले है ना ऊपर वही पहले चलेगा, जैसे P1 पहले चलेगा, फिर P2 चलेगा, फिर P3 चलेगा, इस तरह से। उसके बाद इट इज़ ऑलवेज नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है वो ऑलवेज नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि कौन हमेशा नॉन प्रीएम्प्टिव ही हो सकता है, तो कौन सा होगा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उसके बाद है, इट डज नॉट कंसिडर द प्रायोरिटी और वर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस, ये कहता है कि कोई भी प्रायोरिटी या फिर वर्स्ट टाइम कंसिडर नहीं करेगा, कि मतलब किसका एग्जीक्यूशन, जैसे हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होता है, हम लोग आगे करेंगे इसको, तो इसमें क्या होता है कि जिसका वर्स्ट टाइम कम है वो प्रोसेस पहले काम करेगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या कहता है कि ना ही कोई प्रायोरिटी काम करेगा ना ही कोई वर्स्ट टाइम काम करेगा, मतलब कि जो पहले आया चाहे उसकी वर्स्ट टाइम कितना भी हो, उसकी प्रायोरिटी कुछ भी हो, जो पहले आया वो पहले काम करेगा। उसके बाद है, इट सफर फ्रॉम कॉन्वॉय इफेक्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो कॉन्वॉय इफेक्ट क्या कहता है कि अगर कोई बड़ी प्रोसेस के पीछे अगर कोई छोटी प्रोसेस फंसी हुई है तो इसको बोलते हैं लोग कॉन्वॉय इफेक्ट, मतलब कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या करता है कि जो पहले आया वो पहले काम करेगा। तो सपोज डर के जो हमारा पहला प्रोसेस है उसका एग्जीक्यूशन टाइम 25 सेकेंड है मान लो, और P2 है उसका 2 सेकेंड है, तो सोचो इसको कितना देर वेट करना पड़ रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट, मतलब कि कोई बड़ी प्रोसेस के पीछे कोई छोटी प्रोसेस मतलब कि है तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वॉय इफेक्ट। इसको सफर कौन करता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, तो ये एक डिसएडवांटेज कह सकते हो कि हो जाता है। तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे इन कॉन्वॉय इफेक्ट में कि क्या होता है, कंसिडर प्रोसेस विद हायर वर्स्ट टाइम अराइव बिफोर द प्रोसेस विद अ स्मॉलर वर्स्ट टाइम, देन अ स्मॉलर प्रोसेस हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर लॉन्गर प्रोसेस टू रिलीज द सीपीयू। तो यही होता है हमारा कॉन्वॉय इफेक्ट, हम लोग इसको याद रखेंगे। कॉन्वॉय इफेक्ट कौन सफर करता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। तो ये तो थोड़ा सा नोट्स हो गया, अब हम लोग आ जाते हैं बेसिक क्वेश्चन पे कि हम लोग क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द कंसिडर ऑफ 5 प्रोसेस हुज अराइवल टाइम एंड वर्स्ट टाइम आर गिवन बिलो, मतलब कि अराइवल टाइम हमारा दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? वर्स्ट टाइम दिया हुआ है, और क्या निकालने बोल रहा है? एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड। तो हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है? टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। तो अब चलिए सबसे पहले इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है गैंट चार्ट बनाना। गैंट चार्ट कैसे बनाते हैं? इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गैंग चार्ट। अगर हमारा गैंग चार्ट सही बन जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सही बन ही जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन गैंग चार्ट कैसे बनाते हैं। तो हमारा क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जो सबसे पहले आया था, सबसे पहले कौन आया हमारा? 0 में प्रोसेस आया है, तो कौन सा है? P3। सीपीयू हमारा कभी भी आइडल नहीं रहेगा, तो कोई भी एल्गोरिदम हो हमारा सबसे पहले क्या चलेगा कि 0 पे कौन सा प्रोसेस आया, तो 0 पे कौन सा आया? P3। और P3 का वर्स्ट टाइम कितना है? 2 है, मतलब ये 0 से 2 ये पूरा पूरा वर्क करेगा, तो इसका काम खत्म हो गया। अब उसके बाद कौन सा आया? 2 तक में कौन सा आ गया? 2 तक में देखिए अभी कोई प्रोसेस नहीं आया, मतलब कि सीपीयू हमारा क्या रहेगा? आइडल रहेगा, क्योंकि कोई प्रोसेस आया ही नहीं, 1 सेकेंड के लिए रहेगा, तो ये क्या हो गया? 3 हो गया। अब देखिए 3 पे कोई आया है, तो देखिए P1 आया है, तो P1 आया और P1 कितना देता रहा? 4, तो कितना हो गया? 4 + 3 = 7। अब देखो 7 तक हमारा सारा ही प्रोसेस आ गया है, तो उसके बाद हमारा कौन सा आ गया? P5 आ जाएगा, और P5 का कितना है? 3, तो ये हो जाएगा 10। और उसके बाद देखिए 5 पर 2 प्रोसेस है, एक P4 है और एक P2 है, तो जो हमारा पहले आया, अगर जैसा कि मैंने पढ़ा था अपन
कि जो अगर टाई करता है तो जो पहले है वो आएगा, तो पी टू पहले है तो क्या आ जाएगा, पी टू आ जाएगा। और इसका वर्स्ट टाइम कितना है, 3 है, तो 13 हो जाएगा, 10 + 3 13। और उसके बाद कौन सा चलेगा, पी फोर, पी फोर की कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 14। तो ये कुछ हमारा गैंग चार्ट है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का इस क्वेश्चन का। तो अब देखिए हमारा क्या निकल गया, कंप्लीशन टाइम निकल गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंप्लीशन टाइम, तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है हमारा, 7 है। उसके बाद P2 का क्या है, 13 है। P3 का 2 है और P4 का 14 है और P5 का कितना है, 10 है, यही है। तो अब हम लोग टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम कितना है, 7 है, और अराइवल टाइम कितना है, 3 है। तो 7 में से 3 गया कितना बच गया, 4 बच गया। उसके बाद हमारा है प्रोसेस 2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 13 है, और अराइवल टाइम 5 है, तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। उसके बाद देखिए कंप्लीशन टाइम 2 है और ये 0 है, तो 2 बच जाएगा। और इसका कंप्लीशन टाइम P4 का 14 है और ये 5 है, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और उसके बाद P5 का कंप्लीशन टाइम 10 है और ये 4 है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, टर्न अराउंड टाइम। अगर हमारा गैंग चार्ट सही बना है तो बाकी तो इजीली बन जाएगा। तो हम लोग फोकस करेंगे गैंग चार्ट को सही बनाने का। देखिए कंप्लीशन टाइम गैंग चार्ट से ही निकला, टर्न अराउंड टाइम फिर क्या निकल गया, कंप्लीशन टाइम माइनस को अराइवल टाइम कर दिया था, हमारा क्या निकल गया, टर्न अराउंड टाइम। अब कहता है वेटिंग टाइम निकालो, तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। तो ये भी तभी निकलेगा जब हमारा टर्न अराउंड टाइम सही निकलेगा। तो टर्न अराउंड टाइम क्या है, 4 है, और वर्स्ट टाइम कितना है, 4 है, तो 4 में 4 गया कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद प्रोसेस 2 का देखते हैं, तो टर्न अराउंड टाइम कितना है, 8 है, और इसका वर्स्ट टाइम कितना है, 3 है, तो ये हो गया हमारा कितना, 5। उसके बाद हमारा टर्न अराउंड टाइम 2 है और 2 है, तो 2 में 2 क्या कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद हमारा 9 है और 1 है, तो 8 हो गया। और उसके बाद 6 है, 3 है, तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये हमारा निकल गया वेटिंग टाइम। अब ये क्या कह रहा है कि एवरेज निकालो। तो एवरेज अगर दोनों को क्या करेंगे, तो एवरेज हम लोग कैसे करते हैं, सबको ऐड करके जितना भी प्रोसेस है उसको उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया टोटल 6 9 29 हो गया। और टोटल कितना प्रोसेस है, 5, तो 29 / 5, तो कितना हो जाएगा, 25, बस 8 कुछ ऐसा इतना हो जाएगा। और अगर हम लोग इसका एवरेज टाइम निकाले तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 / 5, तो 3.2 कुछ हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया टर्न अराउंड टाइम एवरेज, और ये हमारा निकल गया वेटिंग टाइम एवरेज, एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही इजीली बन जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं करके बताती हूँ, और फिर मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन आप खुद से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमारा सबसे पहले क्या निकालना होगा, कंप्लीशन टाइम निकालना रहता है। उसके बाद हमारा क्या रहता है, टर्न अराउंड टाइम निकालना रहता है, और फिर हमारा रहता है वेटिंग टाइम। और इनसे पहले हमारा क्या रहता है, निकालना गैंग चार्ट। क्योंकि ये फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि पहले कौन सा प्रोसेस आया। तो कौन सा ऐप सबसे पहले, P1 आया। P1 कितना, 0 से 2 है, वर्स्ट टाइम 2 है P1 प्रोसेस का। अब देखिए 2 तक में कोई प्रोसेस अभी नहीं आया है, तो ये क्या रहेगा, हमारा CPU आइडल रहेगा, तो ये 3 चला। उसके बाद कितना है, P2 आया 3 पे, और इसका वर्स्ट टाइम कितना है, 1 है, तो मतलब कि 3 + 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 पे कोई प्रोसेस अभी तक अराइव नहीं हुआ है, तो ये भी क्या होगा, उसमें आइडल रहेगा CPU हमारा, ये 5 हो गया। अब देखिए 5 पे हमारा P3 आया, और कितना उसका वर्स्ट टाइम है, 6 है, तो P3 और कितना हो जाएगा, 6 + 5 11। तो ये कुछ हमारा गैंग चार्ट बन गया किसका, इस क्वेश्चन का। अब देखिए हमारा कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, P1 का 2 हो गया,
और पी टू की बात करें तो हमारा कितना है, 4 है, और पी थ्री का कितना है, 11 है। तो अगर हमें उसका टर्न अराउंड टाइम निकाले तो क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम कितना है, 2 है, और अराइवल टाइम कितना है, 0 है, तो 2 हो जाएगा। प्रोसेस 2 का देखें तो कंप्लीशन टाइम कितना है, 4 है, और अराइवल टाइम 3 है, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेस 3 का देखें तो कंप्लीशन टाइम 11 है और ये 5 है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकालते हैं, वेटिंग टाइम निकालते हैं। तो वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या है, 2 है, वर्स्ट टाइम क्या है, 2, तो 0 हो जाएगा। 1 में से 1 गया, 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, मतलब कि ये सारा ही 0 हो गया। तो अगर हमको एवरेज कहता है निकालना है तो टर्न अराउंड टाइम का एवरेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 बाई 3, 3 हो जाएगा, और ये तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर पूछता है कि टर्न अराउंड टाइम बताओ तो ये 3 हो जाएगा और वेटिंग टाइम हमारा 0 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा राइट। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में किस तरह से सोल्व करते हैं एल्गोरिदम को। एक क्वेश्चन मैंने दिया है, आप लोग खुद से सोल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो भी आप बता सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं SJF। SJF एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, तो उसमें भी हम लोग थोड़ा सा थ्योरी सीखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, और उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।